नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है जयपुर का, उसने दोस्तों राजस्थान में जयंत से संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दोस्तों, इसी सेशन में आज समझने वाले अपन कि जो जयंत की भर्ती राजस्थान में जो जारी किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन, ये कौन कौन से ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए है, यानी कौन से ब्रांच के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म एंडिंग डेट क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, जब लास्ट टाइम पे इस बोर्ड ने जब यह भर्ती आयोजित की गई थी तब इसके द्वारा कितनी कट ऑफ जारी की गई थी, कितने नंबर पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी, चाहे वो बीटेक के विद्यार्थी हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हो, सभी को इंतजार था इस भर्ती का। तो दोस्तों, ये भर्ती जारी भी हो चुकी है, तो अब आपको मन लगा के अच्छे से तैयारी करना चाहिए। पिछली भर्ती में भी बहुत से विद्यार्थी जेएन में सिलेक्टेड हुए थे अपने स्टडी जोन क्लासेस के, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो अपन पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों के लिए कितनी पोस्ट हैं और दोनों का सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके। अब अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में जो जेईई भर्ती जारी की गई है 2022 के लिए आरएसएम एसएसबी बोर्ड जयपुर, इसमें ऑल इंडिया का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसका सिलेबस जो अपन देखेंगे अभी कि कौन कौन सी ब्रांच के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिविल के, मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के, यानी दोस्तों तीन ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए भर्ती है। यह बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें अलग पोस्ट है और पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों के लिए अलग पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट की अपन बात करें तो सभी ब्रांचों की मिला के 1092 पोस्ट है, ठीक है। हर ब्रांच का अलग अलग नोटिस भी है, कौन सी ब्रांच का क्या नोटिस है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा लोगों की कितनी वैकेंसी है तो ये आपकी स्क्रीन पर मिलने लगा भी देता हूँ, ये देख लो। डिप्लोमा लोगों की कितनी पोस्ट है, सिविल वालों की, मैकेनिकल वालों की, इलेक्ट्रिकल वालों की, और डिग्री वालों की यानी बीटेक वालों की कितनी पोस्ट है, इस पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 फरवरी को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें, बिना लास्ट डेट का इंतजार करें वो फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे दोस्तों साइड में बिजी चल जाते हैं, सर्वर बिजी चल जाते हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के मन में आशा है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इस बार एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस जारी नहीं किया, लेकिन पिछली जो भर्ती 2020 में हुई थी वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, मेरे को लगता है जहाँ तक वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और वही सिलेबस रहेगा। तो अभी जहाँ तक अपडेट सिलेबस और अपडेट एग्ज़ाम पैटर्न नहीं आता, वहाँ तक अपन उसी पैटर्न को समझते हुए तैयारी करें, क्योंकि चेंज नहीं करते, वही रखते हैं, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था पिछली बार 2020 में, इसका एग्ज़ाम पैटर्न था 80 मार्क्स और टेक्निकल सब्जेक्ट था, यानी सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के सिविल के सब्जेक्ट आते थे 80 नंबर के, जो मैकेनिकल वाले हैं उनके मैकेनिकल के सब्जेक्ट आते हैं 80 नंबर के, और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के उनके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट आते हैं 80 नंबर के, और 40 नंबर का दोस्तों राजस्थान जीके आता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन उसके, 80 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट के, 120 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है और 2 घंटे का समय अपन को मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम डेट जो इन्होंने एक्सपेक्टेड दे रखी है वो मई 2022 में दे रखी है, यानी दोस्तों अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी के 10-12 दिन जनवरी के बच रहे हैं, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 3-3.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। 3-3.5 महीने में आराम से सिलेबस आपका कवर हो सकता है। और दोस्तों, मैकेनिकल के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको इंटरेस्टेड हो, आप तैयारी करना चाहते हो इस वाली वैकेंसी के बारे में, इस वाली वैकेंसी के लिए, तो अपन जल्द ही स्टडी जोन क्लासेस पे इस 80 नंबर वाले पार्ट का मैकेनिकल का टेक्निकल सब्जेक्ट का बैच ला रहे हैं। यह तैयारी आपके एसएससी जेईई में भी काम आएगी, रेलवे जेईई की भी कुछ ही समय में वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जेईई की भी आने वाली है, और एक एक वैकेंसी ये भी आ चुकी है, तो तीनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। तो कंप्लीट सिलेबस का, मैकेनिकल का, टेक्निकल का अपन स्टडी जोन क्लासेस के ऐप के अंदर एक शानदार पेड बैच ला रहे, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, डाउट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, और डाउट भी टाइम टू टाइम आपके सॉल्व होंगे। तो जो भी मैकेनिकल के विद्यार्थी इस भर्ती के लिए, एसएससी जेईई के लिए और जेईई के लिए कंबाइंड बैच की अच्छे से तैयारी करना चाहता हूँ, वह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें,
नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, तैयारी करने वाले हैं, तभी अपन बैच स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट हो मेरे को अच्छे तरीके से बताएं, फिर अपन जेईन का बैच बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे लेवल से अपन स्टार्ट कर देंगे, वह भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत परेशानी आती है टेक्निकल सब्जेक्ट की, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर हिंदी में कोई भी कोचिंग नहीं होती है। तो लगातार विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे पॉलिटेक्निक वालों के, तो पॉलिटेक्निक हिंदी में होती है, तो अपन इस कंपटीशन क्लासेस भी हिंदी में स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट वो शानदार तरीके से। तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, तो मई 2022 में इसके एग्जाम डेट है एक्सपेक्टेड। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें, लास्ट टाइम जब ये भर्ती हुई थी कब हुई थी, 2020 में हुई थी। 2020 में इसकी वैकेंसी निकली थी, 2021 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 2021 में एग्जाम हुआ था और 2021 के अंदर इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 2-3 महीने पहले विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिली है, तो उस समय जो पोस्ट थी वो 1350-1400 के आसपास थी। अभी 1092 पिछले साल जब 2020 में वैकेंसी निकली थी, तब 1350-1400 के आसपास इसमें पोस्ट थी। तो उस वक्त किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ गई है वो अपन देखते हैं। जनरली दोस्तों इसमें जो वैकेंसी निकलती है वह PWD डिपार्टमेंट में निकलती है, PHED में निकलती है, WRD में निकलती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकलती है। तो सभी की कंबाइंड लेके एवरेज मैंने निकाला, तो जो कट ऑफ निकली है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी जो बीटेक वाले विद्यार्थी उनकी कट ऑफ गई थी जनरल की 102, EWS की 97, OBC की 98, MBC की 91, ST की 93, SC की 92। ये तो सिविल ब्रांच के बीटेक वाले विद्यार्थियों की कट ऑफ है 2020 में जब वे भर्ती निकली थी उसकी, ठीक है। और डिप्लोमा वालों की गई थी जनरल की 100, EWS की 96, OBC की 98, MBC की 90, ST की 96, SC की 92। ये दोस्तों जो कट ऑफ है 120 नंबर में से, यानी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। दोस्तों एक बार तो बीटेक वालों को पेपर आउट हो गया था, ठीक है। आउट होने के कारण नंबर काफ़ी ज़्यादा आते, इस वजह से पेपर दोबारा हुआ। लेकिन जब दोबारा पेपर हुआ तब भी नॉन टेक्निकल का पेपर आउट हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे आउट नहीं माना और आनंद फानंद में रिजल्ट जारी कर दिया और उनको ज्वाइनिंग भी देने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ गई थी, तो अपन को तो यही कट ऑफ मान के तैयारी करना है कि भविष्य में भी कट ऑफ यही जाने वाली है। हालांकि इतनी कट ऑफ तो जाती नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं उनके ये हैं और बीटेक वालों की ये। बात करें मैकेनिकल वालों की, तो मैकेनिकल कट ऑफ जनरल की 101, AWS की 100, OBC की 99, MBC की कोई सीट नहीं थी और ST की 95, SC की 97। डिप्लोमा में केवल जनरल में सीटें थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में, तो इसकी कट ऑफ 102 नंबर गई थी 120 में से। इसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल की डिग्री वालों की कट ऑफ 101, 199। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों की कंबाइंड पोस्ट निकलती है इन दोनों, इसलिए इन दोनों की कट ऑफ लगभग क्या जाती है सेम। हालांकि इलेक्ट्रिकल की एक डिपार्टमेंट में और निकलती है, तो उनके कट ऑफ का भी एवरेज निकालिए तो लगभग यही आता है। तो दोस्तों ये लास्ट टाइम जब भर्ती निकली थी तब कौन से कैटेगरी की कौन सी कट ऑफ गई थी कौन सी ब्रांच की, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, ठीक है। दोस्तों एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप कंप्लीट नोटिस पढ़ें। एग्ज़ाम मेन चीज़ तो मैंने बता दी, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब इसके एंडिंग डेट है। जो फॉर्म की फीस है वो 450 रुपये जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EWS के वालों के लिए, MBC वालों के लिए 350 और SC ST वालों के लिए 250 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म फीस है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट ये है और एग्ज़ाम डेट मई 2022 है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट तो मैंने बता दी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले नोटिस को, पूरे नोटिस को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। जो नोटिस जारी किया था RSMSSG ने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, 40 नंबर का जो राजस्थान GK का पार्ट है इसका सिलेबस क्या है, और 80 नंबर का मैकेनिकल वालों का, सिविल वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस क्या है टेक्निकल पार्ट का, इसके PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सिलेबस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस था जो कि अपनी RSMSSB बोर्ड द्वारा जारी की गई JEE की भर्ती से रिलेटेड था। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी किसी को कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, अगले वीडियो में आपकी समस्या जरूर सोल्व कर दूंगा। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी अपन एक भर्ती से रिलेटेड एक और वीडियो लेंगे जिसमें आपकी समस्या सोल्व कर देंगे। मोटे तौर पर सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो इस भर्ती से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो अपन ने यहाँ पे समझ लिया है। और दोस्तों तो फिर मैकेनिकल के पॉलिटेक्निक के जो विद्यार्थी है वो जो पास आउट हो चुके हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ अपन बहुत शानदार तरीके से एक JEE का टेक्निकल का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो इस भर्ती के साथ साथ आपके SSC JEE में भी काम आएगा और रेलवे JEE में जो भर्ती जल्दी आने वाली है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर करें,
आपके कमेंट की संख्या के आधार पर भी मैं सोचूंगा कि अपन बेटी स्टार्ट करे या ना करे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, जो फाइनल ईयर में है, चाहे वो बीटेक के फाइनल ईयर में हो चाहे पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में हो, लगातार विद्यार्थियों को मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हम फाइनल ईयर वाले इस भर्ती में अलाउ है नहीं है। तो दोस्तों फाइनल ईयर वाले इस भर्ती में अलाउ है, उन्होंने लिख रखा है, लेकिन जब इस भर्ती का पेपर होगा वहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में अलाउ है। यानी पेपर मई में, तो मई के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का, तभी आप इसमें अलाउ हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है मई के पहले पहले तो आप इसमें अलाउ नहीं हो, ठीक है। हो सकता है इसकी डेट बढ़ जाए कोरोना के केस के कारण, तो फॉर्म तो भर देना एक बार, एक तो मई से जून जुलाई में भी जाए तो जहाँ तक तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अगर कोरोना के केस नहीं बढ़े तो ये एग्जाम मई में होने की पूरी संभावना है, तो वहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाए तो आप इसे भर देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके क्लियर होंगे होंगे कि कब ये भर्ती आई है और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न वाला है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इसका सिलेबस है और इसका नोटिफिकेशन क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, और पिछली बार जब ये भर्ती हुई थी तब इसकी कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये सूचना पहुँच सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके। कर भला तो हो भला, और आज से तैयारी में लग जाओ जी जान लगा के कि मेरे को सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।